खबर यूपी के बलिया से है, जहां चीनी मिल समिति के डायरेक्टर पद के लिए निर्विरोध हुए पूर्व मंत्री घुराराम के भतीजे अभय कौशल चीनी को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर विकास करेंगे। किसान सहकारी चीनी मिल समिति रचना में डायरेक्टर पद के लिए गहमा गहमी के बीच नामांकन दाखिल किया गया। इसमें कुल 11 निर्वाचन क्षेत्रों से 21 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, वहीं 4 निर्वाचन क्षेत्रों से 1-1 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। लिहाजा इन सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। पर्चा दाखिला में बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया को दिलचस्प बना दिया है। वहीं निर्विरोध हुए अभय कुमार कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर चीनी मिल के लिए विकास करेंगे और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते। अपना एक पर्चा बता दें। मेरा नाम अभय कुमार कौशल है, अध्यक्ष प्रधान संघ विकास खंड चिलकर। अभी किस पद के लिए चुनाव होने जा रहा है जिसमें आप निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है? कल भी किसान सहकारी चीनी मिल समिति का डायरेक्टर का चुनाव के लिए नामांकन हुआ है, जिसमें मैंने नामांकन किया और हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, केवल मेरा ही पर्चा दाखिला हुआ है, जिससे कि मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। जी, देखा जाए जिस तरह से लंबे समय से चीनी मिल डायरेक्टर का पद खाली था, जिस तरह से इसका चुनाव नहीं हो रहा था, अब चुनाव हुआ, कितना बड़ा दायित्व आपके ऊपर है? चुनाव हुआ है, ये तो बहुत बड़ा दायित्व है हम लोगों का, और इस चीनी मिल का हम लोग जो बंद पड़ी है, हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर और जो भी माननीय हैं सांसद या विधायक जो भी हैं पक्ष विपक्ष सभी लोगों से हम लोग वार्ता करके हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास इसको पुनः चालू करने के लिए सिफारिश करेंगे, ताकि आसपास के इलाकों के किसानों को इसका लाभ मिल सके। जब चीनी मिल जब चालू था तो क्या दृश्य था, किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं थी, कितने रोजगार लगभग मुहैया कराई गई थी उस समय? चीनी मिल जब चालू था तो यहाँ कम से कम 4,000 मजदूरों को मजदूरी मतलब यहाँ रोजगार था और क्षेत्र में विकास था और आसपास के इलाकों के किसानों को मतलब कि एक अच्छी कमाई हो जाती थी गन्ने से। एक बार बोने के बाद गन्ने की फसल में 3 बार कटाई होती है और उससे खेतों को भी मजबूती मिलती है। उसे बंद होने के कारण देख रहे हैं कि आसपास के इलाकों में हमारे कहीं भी कोई गन्ने की बुआई नहीं हो पा रही है और काफ़ी किसानों को उदासीनता है, बेरोजगारी का आलम है। अगर इसे पुनः चालू कराया जाएगा तो इसे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और इस समय नई टेक्नोलॉजी से चीनी मिल चालू हो रही है, जिसमें उर्वरक खाद भी पैदा हो रहा है और उसमें सीरा है और तमाम तरह की चीज़ें अलग अलग उसमें प्रोडक्ट हैं जो कटगराइज करके उसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, किससे कौन कौन लोगों से मिलना चाहेंगे इस चीनी मिल को? हम लोग सभी प्रतिनिधि दल के लोगों से मिलकर इसको पुनः चालू कराने की सिफारिश करेंगे हम लोग, ताकि ये इसको संसद भवन में और विधानसभा में सभी जनप्रतिनिधियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि इसका मुद्दा उठाएं, ताकि सरकार के पास ये मुद्दा जाए और इसको पुनः चालू कराने का प्रयास किया जाए। आज आप डायरेक्टर के पद पे आसीन हो गए हैं, आप जनता से क्या अपील है और क्या लोगों से कहना चाहेंगे आप? मैं जिस तरीके से आपने मेरा परिचय जानते ही होंगे, मैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री घुराराम और स्वर्गीय सुभाष चंद्र राम जी का मैं लड़का हूँ और हम लोग राजनीति में हम 3 भाई हैं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर संतोष जी जो बेलथरा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, और एक हमारे छोटे अनुज ब्लॉक प्रमुख हैं चिलकहर विकासखंड के। हम तीनों भाई अपने पिता के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, हम आजीवन सभी का आभारी रहेंगे और इस तरीके से हम लोग को जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे।